अब रोज की आलू मटर गोभी की सब्जी से बोर हो गए हैं तो एक बार भरवा शिमला मिर्च की सब्जी को ट्राई करना तो बनता है। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है और इसे बनाना उतना ही आसान है। भरवा शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम शिमला मिर्च, जिसे अच्छे से धो के किचन टॉवल से पोंछ के इसका पानी सुखा लिया है। सबसे पहले हम शिमला मिर्च की स्टफिंग की तैयारी करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 4 बड़े उबले हुए आलू, ये ग्राम में 300 ग्राम है, 1 बारीक कट 1 इंच घिसा हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च, चम्मच कटा हुआ धनिया पत्ता, 2 चम्मच मूंगफली जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है बिना तेल का, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच राई, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नींबू का रस, 5-6 चम्मच आलू की स्टफिंग बनाने के लिए, शिमला मिर्च को फ्राई करने के लिए और उसकी ग्रेवी बनाने के लिए। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेते हैं। हमने मैश कर लिया। सबसे पहले पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम डालेंगे जीरा राई। जीरा राई हमारा चटक चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज, अदरक और हरी मिर्च, मिला लें। फ्लेम हमारा हाई टू मीडियम रहेगा। अगर आपकी मूंगफली कच्ची है तो इसी टाइम मूंगफली भी ऑयल में फ्राई कर लें तो प्याज के साथ भुन आ जाएगा। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि प्याज का कलर हल्का गुलाबी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पत्ती और अच्छे से मिला लें। मसालों को जैसे ही हम मिलाएंगे साथ ही में डाल दें भुनी हुई मूंगफली। आप चाहें तो दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं। 30 सेकंड के लिए हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं उबले हुए आलू, साथ ही में डाल दें स्वाद अनुसार नमक। आलू डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम करके मसालों को अच्छे से आलू में मिला लेंगे। हमने 1 मिनट तक अच्छे से मिला लिया है और लास्ट में डाल दीजिए नींबू का रस और मिला लें। तो ये आलू का मसाला हमारा बस 3 मिनट में बनके तैयार है। फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस आलू के मसालों को हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। छोटे चाकू से हमें हल्का हल्का चाकू को साइड साइड घुमाना है और ऊपर वाले डंठल को इस तरीके से खींच लेना है। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया और बीज को हम इस तरीके से चाकू से खरोच लेंगे। अगर आप पहली बार ये रेसिपी बना रहे हैं तो चम्मच से ही बीज को निकालें क्योंकि चाकू से इधर उधर लग सकता है तो हमारा शिमला मिर्च टूट जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से ये खाली हो गया। हमने सारे शिमला मिर्च के बीज को निकाल लिया है और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताती चलूँ। कुछ कुछ शिमला मिर्च टेढ़ा होता है, शेप में नहीं होता, तो इसे जब आप फ्राई कीजिएगा ना, हम जब इसे रोस्ट करेंगे तो ये कढ़ाई या पैन में सीधा बैठ नहीं पाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि मेरा शिमला मिर्च बैठा हुआ है, ये हल्का सा टेढ़ा है, तो इसे सेट करने के लिए आप नीचे से हल्का सा काट दें, इस तरीके से हल्का सा काटना है हमें। तो आप इसे कढ़ाई या पैन में रखिएगा तो बहुत ईजिली ये सेट हो जाएगा और हमारा शिमला मिर्च चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से रोस्ट होगा। शिमला मिर्च में हम छोटे चम्मच से आलू वाले मसाले को डालेंगे और जहाँ तक हो सके उतना डालें, स्टफिंग अच्छे से करें और स्पून से इस तरीके से आप चारों तरफ आलू के मसालों को सेट कर दें। इस तरीके से हमने सारे शिमला मिर्च को बहुत ही अच्छे से दाब दाब के आलू के मसालों को भर लिया है। फिर से सेम पैन में हम डालेंगे 3 चम्मच ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम को कम कर दीजिए और कम फ्लेम पर हम अपने शिमला मिर्च को रखते हैं। अब हम ढकते हुए 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेते हैं। 3 मिनट के बाद हम शिमला मिर्च को उलट लेंगे और फिर से हम इसे ढकते हुए पकाएंगे। 2-2 मिनट पे हमें चारों तरफ उलटते हुए
बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। इसी तरीके से हम दो दो मिनट पे चारों तरफ उलटते पलटते शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। पकाते हुए हमारा 12 मिनट हो चुका है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने चारों तरफ उलटते हुए इसे फ्राई किया है। शिमला मिर्च को आप 80% से ज़्यादा फ्राई ना करें, वरना ये बहुत गल जाएगा और हमारा आलू का स्टफिंग बाहर आ जाएगा। इसे हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा स्टफ शिमला मिर्च बनके तैयार है। आप इसे स्टार्टर के रूप में खा सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगा। और कोई भी रेसिपी में हम शिमला मिर्च को पूरा नहीं पकाते हैं, वरना रेसिपी हमारा ख़राब हो जाएगा। लेकिन हम अभी इसका ग्रेवी बनाएंगे। तो टमाटर, ये कच्चे टमाटर है, इसे मैंने सिंपली मिक्सी में पीस लिया है। आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। एक बड़ा प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया, एक छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुछ साबुत मसालों का हम तड़का लगाएंगे, एक चौथाई छोटी चम्मच राई, आधा छोटी चम्मच जीरा, दो चुटकी हींग, दो सूखी लाल मिर्च, एक तेज पत्ता। दोस्तों, स्टफिंग में जितने मसालों का हमने इस्तेमाल किया है, लगभग वही मसाले का हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच कटी हुई धनिया पत्ती, और गाढ़ी ग्रेवी के लिए हम एक छोटी चम्मच बेसन का इस्तेमाल करेंगे। फिर से हमने सेम पैन चढ़ाया है और उसमें पहले से ही तेल है हमारा, बस एक चम्मच तेल और डाल देते हैं। आप चाहे तो इस रेसिपी को सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, साथ में डाल दें जीरा, सरसों, हींग, तेज पत्ता और सूखी हुई लाल मिर्च। मसाला हमारा तड़क चुका है, हम डाल देते हैं इसमें प्याज। प्याज को हम सुनहरा होने तक भुनेंगे। टाइम डाल दे जिंजर गार्लिक पेस्ट, बेसन, ताकि साथ में बेसन भी भुना जाए, मिला ले। एक मिनट और हमने लहसुन और बेसन को भून लिया है। अब हम डाल देते हैं पीसे हुए टमाटर, सूखे हुए मसाले, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सभी को हम मिला लेते हैं। मसालों को हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और टमाटर डालने के बाद हम 5 मिनट और इसे चलाते हुए भून लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा ग्लास पानी। अभी तक हमने नमक नहीं डाला, तो नमक भी डाल देते हैं स्वाद अनुसार। आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, मिला ले। उबाल आने के बाद हम ढकते हुए लो फ्लेम पे ग्रेवी को थोड़ा पका लेते हैं, करीब 5 मिनट। 5 मिनट हमारा हो चुका है और हमारी गाढ़ी सी ग्रेवी बनके तैयार है। लास्ट में हम डाल देते हैं कटी हुई धनिया पत्ती, मिला लेते हैं। दोस्तों, मैंने ग्रेवी इसकी थिक रखी है, आप चाहें तो और पानी डाल के पतला कर सकते हैं। और ये जो हमने स्टफ शिमला मिर्च तैयार किया है, इसे ग्रेवी में नहीं डालेंगे, हम ग्रेवी को ऊपर से सर्व करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। सर्विंग प्लेट पे हम इस तरीके से ग्रेवी को रखते हैं। ग्रेवी मेरी बहुत गाढ़ी है, आपको इतनी गाढ़ी नहीं पसंद तो आप थोड़ा पानी डाल दीजिए, मैं फिर से बोल रही हूँ। हम ग्रेवी के ऊपर रखेंगे अपना भरवा शिमला मिर्च। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा भरवा शिमला मिर्च की सब्जी। आप इसे सब्जी भी बनाइए और एज अ स्टार्टर भी आप सर्व कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने कितना आसान तरीके से बनाया, और इसकी ग्रेवी हमने बिल्कुल रोज की सिंपल ग्रेवी की तरह ही बनाया है। तो ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और काफ़ी आपको ईजी पड़ेगा बनाना, और शिमला मिर्च का सीजन भी चल रहा है, तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।